लोगों से इस समय रूबरू हो रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा जनसमुदाय भी एक झलक पाने के लिए उमड़ा हुआ है घाटों पर। चारों तरफ लोग एक झलक पाने के लिए लालायित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रिय सांसद और महानतम जननायक को एक झलक पाने के लिए, जो कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ असी घाट की उन्हीं सीढ़ियों पर हैं जहां से वो बढ़ेंगे और गंगा दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त होती है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। और आज वो असी घाट से दशाश्वमेध घाट तक की ये यात्रा करेंगे और साथ ही साथ वो एक मिसाल भी दिखाएंगे, एक अनुपम झलकी भी दिखाएंगे, एक अंतर यात्रा भी कराएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कि किस तरीके से देश उनके नेतृत्व में और किस तरीके से देश अपने में सांस्कृतिक विरासत को समेटे, अपने देश अपने में विविधता को समेटे हुए अनेक धर्म संप्रदाय के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की मिसाल पेश करते हुए दुनिया में शांति का संदेश दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष कर रहा है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय, साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रों हर हर महादेव का नारा और साथ ही साथ हर हर मोदी का नारा किसी को भी ये पुलकित कर देने के लिए पर्याप्त है, किसी को भी विभोर कर देने के लिए पर्याप्त है। और इस समय धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों, जो कि यहाँ से नौका विहार करेंगे और भारतीय संस्कृति के महागान की गाथा का भी एक अंतर यात्रा के रूप में करेंगे। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जा रहा है, कन्याएं यहाँ पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत कर रही हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि जब हम अतिथि देवो भव कहते हैं, हम अतिथि को मानते हैं अपना देवता, उसमें देव रूप देखते हैं, ईश्वर रूप देखते हैं, तो इससे बड़ा सम्मान किसी अतिथि को नहीं दिया जा सकता। और पुष्प वर्षा करके यहाँ पर स्वागत किया गया है इमैनुअल मैक्रों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। घाटों से होती हुई ये यात्रा एक अंतर यात्रा भी होगी भारत के उत्थान की और साथ ही साथ भारत की उपलब्धियों की, भारत की विशेषता की, भारत की अनेकता में एकता के महामंत्र की और वो उद्घोष जो भारत करता है वसुधैव कुटुंबकम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय इमैनुअल मैक्रों बढ़ रहे हैं असी घाट के सीढ़ियों से गंगा की तरफ, गंगा दर्शन के लिए, गंगा विहार के लिए, गंगा नौकायन के लिए। और ये नौकायन का सिलसिला शुरू होगा असी घाट से और जाके इसका समापन होगा दशाश्वमेध घाट पर, जो कि एक अंतर यात्रा भी होगी, एक झलकी भी होगी भारतीय संस्कृति की, भारतीय उपलब्धियों की, भारतीय मेधा की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय दर्शन की, भारतीय आध्यात्म की और भारत के तकनीकी वैज्ञानिक सहयोग की। और निश्चित तौर से सबसे अप्रतिम स्थान होता है गंगा तट, और उसी गंगा तट पर इस समय पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उमड़ा हुआ जनसैलाब यहाँ पर है, जो कि एक झलक पाने के लिए बेताब है और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ उपस्थित जनसमुदाय का और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन का। लोगों का कोलाहल बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और हाथों में लोग भारत और फ्रांस के झंडे लिए हुए लोग करतल ध्वनि से, उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये अद्भुत क्षण होगा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए। उमड़ा हुआ जनसैलाब खुद ही जननायक की लोकप्रियता और भारतीय मानव संसाधन की क्षमता और भारतीय मेधा और भारतीय क्षमताओं का प्रतिबिंब बताती है। निश्चित तौर से ये किसी को भी आह्लादित कर देने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पर 121 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किया गया, यहाँ पर शंखद ध्वनि भी की गई और यहाँ पर स्वस्ति वाचन भी किया गया और यहाँ पर वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चारण के साथ ही साथ बेहद ही मंगलमय वातावरण में, बेहद ही अच्छे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत अभिनंदन के बाद अब उस नौकायन पर के लिए जा रहे हैं, उस नौका पर आरूढ़ हो रहे हैं, उस नाव पर जा रहे हैं जहां से वो एक यात्रा शुरू करेंगे और वहां से वो जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक बड़े जनसैलाब के रूप में गंगा तट पर उमड़े हुए जनसमुद्र के रूप में प्रतीत होता है।
निश्चित तौर से ये एक विलक्षण क्षण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समय सहचर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए, जबकि वो एक कहीं ना कहीं एक प्रत्युत्तर भी होगा इससे पहले सीन नदी में किए गए नौकायन का, और वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल से हटकर जिस तरीके का अनुपम सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं इस बार एक और अनुपम रूप में, अनुराग के रूप में छलक पड़ा है, पहुँच पड़ा है गंगा तट पर, वो गंगा जो कि सुरसरी है, वो गंगा जिसके दर्शन से ही लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, वो गंगा जो अपने में इतिहास समेटे है, वो गंगा जो सरस सलीला कही जाती है, वो गंगा जो मंदाकिनी कही जाती है, वो गंगा जो कहीं ना कहीं जिसके दर्शन से ही लोगों को मुक्ति होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आह्लादित इमैनुअल मैक्रों जन सैलाब और जनता जनार्दन का अभिवादन कर रहे हैं, और सबसे पवित्र स्थान अगर कुछ होता है तो गंगा तट होता है। साक्षी हैं यहाँ पर गंगा की लहरें, गंगा की गोद में ये दोनों नेता दो महान संस्कृतियों का संगम कर रहे हैं, दो महान नेताओं का यहाँ पर मिलन हो रहा है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक अमिट छाप भी छोड़ेगी गंगा की लहरों पर, वो लहरें जो हर तरीके से भारतीयता को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से सनातन संस्कृति को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से अपने में हिंदुस्तानियत को समेटे हैं, जो हिंदुस्तान की साझी विरासत, साझी शहादत, साझी सांस्कृतिक वैभव का महागान करती हैं। कहते हैं लहरों पर लिखा जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज यहाँ की गंगा की लहरों पर एक ऐसी महागाथा लिखी जाएगी, ऐसी अंतरयात्रा लिखी जाएगी जो कि भारत फ्रांस संबंधों को ही नहीं, भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों की भी एक महागाथा होगी कि किस तरीके से काशी उन्मुक्त कंठ से भारत गदगद हृदय से अपने अतिथि का सम्मान करता है, अतिथि को अपना देवता मानता है, और साथ ही साथ अतिथि को सर्वोच्च सम्मान देता है। ये यात्रा 80 घाट से शुरू होगी, और ये यात्रा कहीं ना कहीं एक अंतर यात्रा होगी, एक यात्रा समूचे भारत की झलक होगी। ये यात्रा कहीं ना कहीं निश्चित तौर से पूरे भारत के वैभव का, संस्कृति का संगम होगी, भारत के उत्थान की कहानी होगी, ये एक महागान होगा भारतीय संस्कृति का, भारतीय उपलब्धियों का, पुरातनता के साथ नवीनता की ओर अग्रसर एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में बदलते भारत का, और जिसके सूत्रधार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सशक्त नेतृत्व में ये यात्रा अनवरत चल रही है। घाटों पे उमड़ा हुआ ये जनसैलाब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लालायित हैं एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरीके से लोग एक झलक पाना चाहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, और किस तरीके से लोग यहाँ पर हर हर मोदी का जय घोष कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, और एक ऐसा विलक्षण सम्मान दे रहे हैं काशी की नगरी में, शिव की नगरी में, जो किसी नेता को कभी ही मिलती है, और उसके सबसे बड़े स्नेहपात्र रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ से सांसद भी हैं, देश के जननायक भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और यहाँ पर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत के सूत्रधार भी हैं। घाटों पर उमड़ा ये जनसैलाब भारत और फ्रांस के दोस्ती ही नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के संबंधों की नई ऊंचाइयों को प्रकट करता है। आज यहाँ की लहरें कहीं ना कहीं साक्षी बनेंगी कि किस तरीके से लहरों पर भी अमिट इतिहास लिखा जा सकता है। यहाँ की लहरें बताएंगी कि किस तरीके से संबंधों को नई ऊर्जा दी जा सकती है। ये लहरें बताएंगी कि संस्कृतियों का मिलन है, ये सीन और गंगा का मिलन है, ये दो महान नेताओं का मिलन है, ये दो महान राष्ट्रों का मिलन है, ये दो महान वैश्विक शक्तियों का मिलन है, और साथ ही साथ ये एक अंतरयात्रा है जो कि बताती है कि किस तरीके से भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, और शील क्षमा पंचशील सिद्धांत के हिसाब से बौद्ध दर्शन, सनातन संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपने में आत्मसात करते हुए विश्व कल्याण की कामना करता है, क्योंकि यहीं के मनीषियों ने यह उद्घोष किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। निश्चित तौर से विश्व कल्याण के लिए की गई भारतीय मनीषियों की जो महागाथा है, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनके अनुपम योगदान हैं, उसके लिए भारत ही नहीं समूचा विश्व ऋणी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा और भारतीय मेधा के इस विश्व शांति कल्याण की स्थापना में ये कॉन्वॉय बढ़ चुका है धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट की तरफ। 80 घाट से सटा हुआ यहाँ पर तुलसी घाट है। धीरे धीरे एक हल्के हिलोरे खाता हुआ गंगा के गोद में
ये पूरा का पूरा नौकायन का विहार एक विलक्षण अनुपम अनुभूति देता होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, क्योंकि एक यहाँ पे उमड़ा हुआ जनसैलाब और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत किसी भी पाश्चात्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए विस्मय कर देने वाली होती है, अद्भुत कर देने वाली होती है, चकित कर देने वाली होती है। और देख रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों जनसमुदाय का, वहाँ पे मौजूद जनता जनार्दन का, काशी वासियों का और साथ ही साथ देशवासियों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और धीरे 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 ये काफिला बढ़ रहा है दशाश्वमेध घाट की तरफ। दशाश्वमेध घाट के बाद 80 घाट के बाद अगर कहें तो तुलसी घाट पड़ता है, जहाँ पर तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है, भगवत गीता के बाद सबसे ज़्यादा वो सर्वसाध्य है और सरल और अवधि भाषा में होने के कारण लोगों के लिए सर्वथा सुलभ और बोधगम्य है, उसकी यहाँ पर रचना हुई, उसका यहाँ पर समापन हुआ। और यहीं पर अब इहलोक लीला समाप्त करके तुलसीदास जी मोक्ष द्वार से परलोक सिधारे थे। ये घाट अनेक कहानियाँ बताते हैं, इतिहास अपने में समेटे हैं, गली यहाँ के गली, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घाट, यहाँ के मंदिर अपने में कैसी कहानी बताते हैं, जो कि काशी को विशिष्ट बनाता है, जो कि काशी को अद्भुत बनाता है, जो कि काशी की विशिष्टता में ये और अनुपम रूप प्रदान करता है। और इसे एक और अनुपम रूप प्रदान किया जा रहा है, पुरातन के साथ साथ नवीनतम रूप में परिवर्तित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अनेक विकास कार्यों के माध्यम से, जहां पर काशी की आत्मा को मूल रूप में सजाए हुए एक अद्यतन और नवीनतम विकसित शहर के रूप में और एक ऐसे अद्भुत नगरी के रूप में विकसित करने की कोशिश है, जो कि पूरे विश्व को चकित कर देगी। और वो अंतर यात्रा जारी है, साथ ही साथ ये यात्रा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय बढ़ा है। 80 घाट से होते हुए दशाश्वमेध घाट की यात्रा होगी, तकरीबन 23-24 घाटों की ये यात्रा होगी और अलग अलग घाटों पर वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति की झलक से रूबरू कराएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, एक ऐसे सहयोगी को जिनको वो बताते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर फ्रांस को अपना सबसे विश्वस्त सहयोगी मानता है, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। भले ही भारत और फ्रांस के संबंधों की शुरुआत स्ट्रेटजिक रिलेशंस 1998 से शुरू हुए हों, सामरिक रणनीतिक संबंध 1998 से शुरू हुए हों, लेकिन भारत और फ्रांस का अंतरिक्ष का और भारत के इसरो का और फ्रांस के अंतरिक्ष संगठन का संबंध अपने 50 साल पूरे कर चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अर्ध शताब्दी है हमारे संबंधों की, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और अनेक अनेक परियोजनाओं की को भी भारत और फ्रांस कहीं ना कहीं एक दूसरे से के सहयोग से इसको चरितार्थ कर रहे हैं। ये यात्रा बढ़ चुकी है 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ, अलग अलग घाटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू कराएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, और जो कि कहीं ना कहीं चकित कर देने वाला होगा कि किस तरीके से यहाँ पे संस्कृति का, संगीत का, दर्शन का, धर्म का, वैराग्य का, उपलब्धियों का, श्रृंगार का यहाँ पे संगम हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी बहती है, किस तरीके से यहाँ पे आध्यात्म, धर्म और दर्शन की त्रिवेणी बहती है। और कहीं ना कहीं ये एक अद्भुत अनुभव होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए, जो कि इस समय अलग अलग घाटों से होते हुए एक अंतर यात्रा कर रहे हैं, एक विशेष यात्रा कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की झलक देख रहे हैं और वहाँ पर मौजूद जनसमुदाय का, वहाँ पे मौजूद जनता जनार्दन का, वहाँ पे उमड़े जनसैलाब का और काशी के तट पर गंगा के किनारे बने हुए जन समुद्र का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों। अगर देखें तो काशी की महिमा यहाँ अपरंपार कही जाती है, यहाँ पे आके गंगा भी अपना वेग बदल देती है, आवेग बदल देती है, संवेग बदल देती है, गंगा यहाँ पर दिशा बदल देती है, यहाँ पर गंगा उत्तरगामिनी हो जाती है और भगवान शिव के चरण स्पर्श करते हुए वो फिर आगे की यात्रा तय करती है। गंगा यहाँ, सोचिए कि जिस शहर में आके गंगा भी वलयाकार हो जाए, जिस शहर में आके गंगा भी अर्धचंद्राकार हो जाए,
जो शिव की नगरी हो, जो आध्यात्म की नगरी हो, जो ज्ञान की नगरी हो, जो धर्म की नगरी हो, साहित्य की नगरी हो, संगीत की नगरी हो, वहाँ पर उमड़ा हुआ जनसैलाब इस समय बताता है वो किस तरीके से यहाँ पर अपना अपने अतिथि की सेवा कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति ही नहीं बौद्ध संस्कृति का भी अनुपम उदाहरण रहा है। यहीं से सटे सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया था बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काशी केवल सनातन संस्कृति ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन की ये स्थिति रही है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं और साथ ही साथ यहीं पर बौद्ध धर्म को के अपने पांच शिष्यों को आनंद, उपाली और अन्य शिष्यों को भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था और उन्होंने पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में जो कि ये चतुर आर्य सत्य पर चलता है, बौद्ध धर्म जो कि अष्टांग मार्ग बताता है, बौद्ध धर्म जो पंचशील बताता है, वो भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है जो कि अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अपभांडता, ये पंचशील बताता है कि किस तरीके से हमको अपनी जीवन शैली चलानी चाहिए, किस तरीके से ही हमको त्याग में ही भोग करना चाहिए। और ये अलग अलग झांकियां आप देखेंगे, ये निश्चित तौर से आत्ममुग्ध कर देने वाली झांकियां हैं एक विदेशी राजनेता के लिए और साथ ही साथ एक ऐसे अन्य सभी ऐसे जो राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं विरले ही उनको सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसे भारतीय संस्कृति के साक्षात दर्शन का। और धीरे धीरे ये काफिला गंगा तट से बढ़ता हुआ दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा है। ये विहंगम दृश्य कहीं न कहीं आत्ममुग्ध कर देने वाला है, आत्म विभोर कर देने वाला है। घाटों पे लगे हुए भारतीय संस्कृति के अनेक, भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए अनेक कार्यक्रम किसी भी विदेशी मेहमान को, राष्ट्राध्यक्ष को मुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त होते हैं, आत्म विभोर कर देने के लिए पर्याप्त होते हैं। और निश्चित तौर से बुद्ध की भी ये साधना स्थली रही है, भले ही बोध उन्हें गया में हुआ हो लेकिन धर्मचक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ में किया और यहीं से उनके दीक्षित शिष्यों ने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की पताका लहराई और उन्होंने अनेक विश्व को, अनेक देशों को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बनाया। अलग अलग घाटों पर आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि मयूर नृत्य यहाँ पर खेला जा रहा है और साथ ही साथ मयूर नृत्य यहाँ पर लोग कर रहे हैं, एक अद्भुत छटा है। और एक और, ये फागुन का महीना है, देखे किस तरीके से होरियारी इस समय वास्तविक होली खेल रही है, फागुन की होली चल रही है और ये किसी को आत्मविभोर कर देने वाला है। यहाँ पर मयूर नृत्य, यहाँ की वास्तविक होली और यहाँ के रंगों में गुलाल, यहाँ की वादियों में गुलाल, यहाँ पे होली का नर्तन, यहाँ पे अनेक तरह के, अनेक होली के उल्लास लोगों को मुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अबीर और गुलाल से सराबोर लोग अपने प्रिय नेता का, जननायक का अभिवादन कर रहे हैं। भले ही फागुन बीत गया हो लेकिन चैत चल रहा हो, लेकिन फागुन आज यहाँ पर उमड़ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग से सराबोर हैं और साथ ही साथ लोग अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के इस अनुराग का। और ये
यात्रा बढ़ रही है आगे आगे अनेक घाटों से होते हुए, एक यात्रा भी होगी निश्चित तौर से विदेशी मेहमान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए। भारत और फ्रांस के झंडे यहाँ पर, यहाँ की वादियों में लहरा रहे हैं और यहाँ की लहरों पर, गंगा की लहरों पर भारत फ्रांस संबंधों की नई क्रांति लिखी जा रही है, नई संक्रांति हो रही है। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है आगे आगे घाटों से होते हुए दशाश्वमेध घाट की तरफ, और जहां पर लोग संस्कृति की झलक देख रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग जहां पर आह्लादित है अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, और जहां पर लोग इस समय जनसैलाब घूम रहा है गंगा के तट। लोगों के नृत्य और लोगों के कहीं ना कहीं भाव विभोर कर देने वाली भंगिमाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला अनुपम सम्मान तो है ही, साथ ही साथ हमारे अतिथि देवों भयो इमैनुअल मैक्रों के लिए विहंगम दृश्य कहीं ना कहीं आत्ममुग्ध कर देने वाला होगा। वो समझना चाहते हैं, निश्चित तौर से आत्मसात करना चाहते हैं भारतीयता को, साथ ही साथ यहाँ के सांस्कृतिक विरासत। गुंजायमान हो जाता है काशी। यहाँ पर हर हर महादेव के साथ ही साथ जब हर हर मोदी का नारा लगता है, ये कहीं ना कहीं अप्रतिम होता है किसी राजनेता के लिए, और ये विलक्षण सम्मान भी है जो काशी ने अपने प्रिय जननायक को दिया है। स्वीकार कर रहे हैं गंगा तट पर उमड़े जनसमुद्र, जो कि किसी को भी आत्मविभोर कर देने वाला है। निश्चित तौर से अतिथि देवो भव इमैनुअल मैक्रों हतप्रभ होंगे, विस्मय में होंगे, चकित होंगे भारतीयता को देख के, हिंदुस्तानियत को देख के, भारतीय क्षमता को देख के, भारतीय शक्ति को देख के, भारतीय सौंदर्य को देख के, भारतीय मेधा को देख के, भारतीय चिर सनातन संस्कृति को देख के। आगे जा रहा है दशाश्वमेध घाट पर, केवल नौकायन ही नहीं, एक अंतर यात्रा भी है
भारत झलक पूरा विश्व इस समय देख रहा है, और साथ ही साथ पूरे भारत की सांस्कृतिक और उद्भव और विकास और उत्थान की महागाथा के साक्षी अनेक घाटों से बढ़ता हुआ ये काफिला, ये समुदाय जो समुदाय समय उभरा हुआ है काशी में, तो कहीं ना कहीं एक झलक पाने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, निश्चित तौर से ऐसी यात्रा होगी जो कि किसी भी पाश्चात्य संस्कृति में रहने वाले व्यक्ति को आत्ममुग्ध कर सकती है, उस व्यक्ति को विस्मय से भर सकती है। यहाँ की खाद, यहाँ की लहरी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के उत्कर्ष, भारत का उत्थान कहीं ना कहीं सबके साक्षी बन रहे हैं। इमैनुअल मैक्रॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन का ये नौका बिहार की नौकाएं अलग अलग घाटों से साक्षी बनता हुआ भारतीय संस्कृति का, भारत के उत्थान का आगे बढ़ रहा है। होगा और इतिहास में भी ये दर्ज होगा, इतिहास में स्मरणीय रखो भैया होगा किस तरह से गंगा की लहरों पर भारत और फ्रांस के संबंधों की नई इबारत लिखी गई जो कि अमिट है। गंगा की पवित्र लहरों में कहीं ना कहीं अपने को सजोए हुए हैं, और सबसे अधिक पवित्रतम संबंधों का जो तर्क बताया जाता है, सबसे पवित्रतम उत्थान बताया जाता है गंगा की गोद होती है। गोद नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बोला रे भाई घाटों पे उमड़ा जल सैलाब के लिए हर किसी को आकर्षित करता है, और बेहद चकित विस्मय तरीके से हमारे विदेशी मेहमान अतिथि स्वरूप देव स्वरूप इमैनुअल मैक्रॉन इस समय आत्मसात कर लेना चाहते हैं भारतीयता को, आत्मसात कर लेना चाहते हैं भारत को, आत्मसात कर लेना चाहते हैं हिंदुस्तानियत को। जो उमड़ा हुआ जल सैलाब बताता है कि किस तरीके से लोग झलक पाने के लिए बेताब है। हमसे प्रिय जननायक का, जो कि जिन्होंने कहा था, उद्घोष किया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और आज वो उसी माँ गंगा की गोद में नौका विहार कर रहे हैं एक विशिष्ट अपने विशिष्ट मेहमान के साथ, अपने एक बेहद ही विश्वस्त सहयोगी के साथ और एक बड़ी वैश्विक शक्ति के साथ। अलग अलग घाटों से ये यात्रा है, ये यात्रा भले ही घाटों की हो लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की यात्रा है, भले ही ये यात्रा नौकायन का हो लेकिन ये कहीं ना कहीं समूचे अंतर मन की यात्रा है। अंतर मन की ऐसी यात्रा जो भारत की संस्कृति का बोध कराती है, जो भारतीयता का बोध कराती है, जो भारत के विलक्षण उपलब्धियों का कहीं ना कहीं साक्षात्कार कराती है, जो बढ़ते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उत्थान की महागाथा लिखती है, और ये उत्थान की महागाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में सफल भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, और साथ ही साथ उनकी जो अपनी उम्मीद है, अपनी जो आकांक्षा है, जगत गुरु भारत की यात्रा भी कहीं ना कहीं भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन इस समय उसी अंतर यात्रा के साक्षी हैं, उसी अंतर यात्रा के सहभागी हैं, और उसी यात्रा के सहचर हैं। और जब पूरी दुनिया देख रही होगी भारत के इस विलक्षण सांस्कृतिक विरासत को, और साथ ही साथ भारत की विलक्षण उपलब्धियों को, ते पुण्यमासाच्य सुरेन्द्रलोक
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन इस समय पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहां पर दश अश्वमेध घाट इसी घाट पर दश अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट कहा गया। सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठा किसी घाट को प्राप्त है तो दशाश्वमेध घाट को प्राप्त है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। लोग कहते हैं कि यहाँ पर किया गया कर्म अक्षय रहता है, ये मोक्ष द्वार माना जाता है, ये मोक्ष दायिनी द्वार है और यहीं पर अनेक किंवदंतियों को, अनेक कथाओं को, अनेक पौराणिकताओं को, अनेक मान्यताओं को, अनेक धार्मिक सांप्रदायिक विश्वास और उपलब्धियों को अपने में समेटे हुए ये घाट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के घाट पर उतरा हुआ जनसैलाब उनका स्वागत कर रहा है और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तत्पर है। दशाश्वमेध घाट की महिमा काशी के अन्य घाटों से बेहद विलक्षण है और अगर देखें तो निश्चित तौर से ये एक ऐसी यात्रा होगी जो कि अमिट छाप छोड़ेगी भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरते हुए और साथ ही साथ भारत का विश्व की अन्य शक्तियों के साथ एक विश्वस्त सहयोगी के रूप में किस तरीके से हम अपने मेहमान का, अपने अतिथि का देव रूप में स्वागत करते हैं, किस तरीके से हम फलकों पर बिठाते हैं, किस तरीके से हम पुष्पार्चन करते हैं, किस तरीके से उनका अभिनंदन करते हैं और आज काशी भारत की धरोहर है, गदगद हृदय और उनको कंठ से स्वागत कर रही है दो महान नेताओं का, दो महान विभूतियों का, दो महान राष्ट्रों का, दो महान संस्कृतियों का और निश्चित तौर से एक विलक्षण क्षण होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और अक्षरों में जिसपे आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी, जो किंवदंतियों में भी लोगों में प्रचलित होगा। एक ऐसे सशक्त भारत का स्वरूप, एक ऐसे समर्थ भारत का स्वरूप, एक ऐसे समुन्नत भारत का स्वरूप, एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप जिसके दिग्विजय की ध्वज पताका लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण विश्व में भारत के शक्ति का, भारत के दर्शन का, भारत के भारत की वैश्विक ताकत के रूप में उसके ध्वजवाहक बने हुए हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। निश्चित तौर से भले ही ये 1.5-2 किलोमीटर की यात्रा होगी लेकिन अविस्मरणीय रहेगी, अविस्मरणीय रहेगी काशी के लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने जननायक को देखा मान हो उठा एक बार फिर काशी हर हर महादेव के साथ, हर हर मोदी के नामों के साथ। ये विलक्षण सम्मान है किसी नेता को मिलने वाला, ये विलक्षण सम्मान है। काशी किसी को अपने सराखों से नहीं बैठाती, सिवाय महादेव के हर हर महादेव का नारा यहाँ गुंजायमान होता है लेकिन काशी ने सराखों से बैठाया माँ भारती के सुपुत्र और गंगा के पुत्र नरेंद्र मोदी को और यहाँ से प्रतिनिधित्व देकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया और काशी की गलियों में हर हर मोदी का नारा भी यहाँ गुंजायमान हुआ। अब यहाँ से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विशिष्ट मेहमान अतिथि देव स्वरूप इमैनुअल मैक्रॉन आगे की यात्रा तय करेंगे जो कि कहीं ना जो कि आगे की यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए नंदेसर से होते हुए आगे की यात्रा होगी ताज होटल तक, जहाँ पर विश्राम का भी कार्यक्रम होगा, जहाँ पे जलपान का भी कार्यक्रम होगा, कुछ अन्य स्थित जहां पर अनौपचारिक तरीके से दोनों नेता संवाद करेंगे कि किस तरीके से आपसी संबंधों को कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्य औपचारिकताओं से परे ले जाकर भी सांस्कृतिक रूप से एक नया आयाम दिया जा सके जो कि विश्व में शांति स्थापित करने में कारगर साबित हो, जो कि वसुधैव कुटुंबकम से भारत की मूल भावना को चरितार्थ करे और भारत फ्रांस संबंधों की अगर बात करें तो बेहद ही प्रगाढ़ है, बेहद ही सशक्त है और उन्हीं प्रगाढ़ और सशक्त संबंधों में एक नया आयाम आज जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन की यात्रा से, जो कि काशी के अस्थि घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट एक अंतर यात्रा थी, हिंदुस्तानीय थी, एक अंतर यात्रा थी भारतीय संस्कृति की, धर्म की, वैभव की, भारत के साथ ही साथ समूचे हिंदुस्तानियत की।
और जो कि विस्मय कर देने वाला है पूरी दुनिया के लिए। इस समय अपने विशिष्ट मेहमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा जाके अलग अलग स्थानों से होके विशेष होटल में जाके परिवर्तित होगी, जहां पर कुछ अनौपचारिक स्थलों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन एक दूसरे से रूबरू होंगे और वो मंत्रणा भी करेंगे कि किस तरीके से आपसी संबंधों को वैश्विक जटिलताओं और औपचारिकताओं से परे ले जाकर हम एक विशिष्ट संबंध अभी तो हो गया ये आयाम साथ ही साथ नया पूरा का पूरा भारतीय का नहीं नहीं इधर ही रखा भारत का के रूप में है, वो भारत का स्वरूप जो सशक्त देश के रूप में है उसको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत गुरु भारत के रूप में परिवर्तित करें और भारतीयता का उद्घोष जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहता है, वो उद्घोष जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र देता है, वो उद्घोष